राइट नाउ इट्स 1:25। काशिप इज स्लीपिंग। काशिप के अलावा ये लोग भी सो रहे हैं। सो हमारा मुकाबला सख्त होने जा रहा है। और भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक नए व्लॉग के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह तो नहीं है, दोपहर है, क्योंकि रमज़ान है और आपको पता है कि बंदा नॉर्मली लेट उठता है। बट आज जो है वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि सारे गेंद सो रहे हैं और हमारे दरमियान ये रूल डिसाइड हुआ था कि जो बंदा लेट होगा उस पर 50 रुपीज़ जुर्माना लगेगा 15 मिनट के लिहाज से। तो फर्स्ट जुर्माना लगाने में मुझे तकरीबन 2 मिनट रहते हैं और बस वेट है कि 2 मिनट जल्द से जल्द गुजर जाए और मैं इन पर जुर्माना लगा लूँ। उसके बाद मैं उनको एक आवाज़ दूंगा एंड अगर नेक्स्ट 15 मिनट में ये लोग रेडी नहीं होंगे एक नया जुर्माना एक नया फाइन इन पे लगेगा। रूल्स आर रूल्स एंड अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नाकामयाब होंगे। और हमारा इंतजार खत्म। प्रूफ के तौर पे एक नजर देख ले। काशिप, राज, मान और बिलाल वॉशरूम के अंदर और हमारा जुर्माना लग गया। सुबह ही सुबह मुझे 200 रुपये कमाने का मौका मिल गया। दोपहर ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं दुआ करूंगा कि थोड़े से लोग और लेट हो जाए ताकि मैं और भी जुर्माना लगा लूं, क्योंकि मज़ा आता है बंदा वैसे ही बैठ के विदाउट डूइंग एनीथिंग कमाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो सकती है क्या? कंग्रेचुलेशन बिलाल, थैंक यू सो मच। 50 रुपये जुर्माना लग गया है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 2 बजे आप लोगों को टेबल पर होना है और आप 2 बजे वॉशरूम से निकले हो। अब अपने पार्टनर्स को जगाना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज उन पे आप भी लगा सकते हो। तो बस आप भी उन पे लगा सकते हो। हेलो हेलो उस्मान, उठ जाओ ना, बहुत देर हो चुका है। शाबाश, 2 मरतबा जुर्माना लग चुका है आप पर। उस्मान, 2:15 हो गए, सही है? और हम 10 मिनट और वेट करना है। हाँ। जैसे ही 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तीसरा जुर्माना लग चुका है। फिक्र ना करो। अब एक और पे देखा। गुलाज साहब उठ जाओ शाबाश, 2:15 हो चुके हैं, शाबाश, दो जुर्माने लग चुके। और एक हमारा एक बड़ी हस्ती जो है ना, उसको उठाना पड़ेगा अभी। हेलो काशिप, उठ जाओ शाबाश, इधर देखो, इधर आपको गिफ्ट मिल चुका है। आपको 2 मरतबा गिफ्ट मिल चुका है। 2 जुर्माने लग चुके हैं, शाबाश, उठ जाओ। गाइस, आप लोगों ने देखा कि सुबह जो है बहुत अच्छा खर्चा निकल आया और इन पैसों से इस तरह कर लेते हैं कि आज इफ्तारी का बंदोबस्त कर लेते हैं। कुछ अराउंड 500 के करीब हो गया है और एक चिकन इसमें आ जाएगा। मैंने तो 300 कमा लिए यार। आपने 300? हाँ। कैसे? मतलब एक बंदा, दो, तीन। हाँ, 100 है ना दूसरा जुर्माना? 100 है, यस, दूसरा 100 है। तो 300 और जमा 200 500 हो गए ना। हाँ, ठीक है। और कुछ आपने कमा लिए। हाँ। तो 1000 रुपये तक बनते, 1800 तक बनते हैं, तो बस आज की जो है ना कढ़ाई बन जाएगी अच्छी सी। गुलराज, यहाँ आपने क्या लिखा था? क्या लिखा था यार? देखो ना, इसे क्या लिखा था? बोलने के काबिल नहीं है ये सारा बंदों को आप देख रहे हो ना, सीट छोड़ दिए। आपने लिखा क्या था? ये देखो ना क्या लिखा है। नहीं, अभी नहीं, इससे पहले आपने क्या लिखा था? ये देखो ना ये क्या लिखा है। इससे पहले क्या लिखा था? पहले भी यही लिखा था। 15 दिन बाद बाहर गए। काशिप को मैंने शिकस्त दे दी है। काशिप जितना भी एक्सपर्ट बनो ना इसी वाला, आगे नहीं जा सकते। और हुआ क्या है? अभी उस्मान निकलता हूँ ना आपके साथ डिस्कस करते। एक खुशी की न्यूज़ है, हमारे साइड पे फर्स्ट सेल हो गया है। सीरियसली और काशिप को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? I have no words. मैं पहले थोड़ा एंजॉय कर लूँ। लिंक हमने कब ऐड किए हैं? 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हुए हैं। आपने कब लिंक ऐड किए हैं? मैंने कल खत्म किए। खत्म किए? रियली? मैंने कल सर किए। वही बात है ना, लेकिन यार अब खुशी कर ले। अब नहीं, तो भाई खुशी की बात यह है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमने जो ऑफिस स्टार्ट किया था उस ऑफिस में हमने पहले 20 रुपये कमा लिए। पहले 20 रुपये, और ये तकरीबन 6-7 महीनों के बाद। ऑफिस रिनोवेशन और तमाम मिला के अगर आप काउंट कर ले तो 7 महीने हो गए थे, और 7 महीने के बाद ऑफिस का पहला फ्रूट हमें मिल गया है। कंग्रेचुलेशन काशिप। थैंक यू। क्योंकि ये हमारा कंबाइन बिजनेस है और हम ऑफिस में कंपटीशन में है। इन तमाम तर बातों का मकसद जो है वो अपने आप को एक दूसरे को मोटिवेट करना ही है।
क्या बन रहा है, किचन में जाते हैं। जी शायद क्या बन रहा है? भिंडी, जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। और इसके अलावा ये आलू के पकौड़े, ये भी आलू के पकौड़े, और ये बैंगन के पकौड़े बन रहे हैं। और बाकी कुछ है कि नहीं, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो भाई अभी मैं जेज़ वालों के साथ लगा हुआ हूँ, मेरा इंटरनेट पैकेज एक्टिवेट नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि ये किस किस्म का सर्विस है, उनको आइडिया ही नहीं है कि मेरा इंटरनेट पैकेज एक्टिवेट है या नहीं है। मैंने कहा मैंने बैलेंस लोड किया है, सक्सेसफुल हो जाता है, बैलेंस डिटेक्ट नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ जो है न जो पुराना पैकेज है वो काम कर रहा है। 8 मिनट से मैं लगा हुआ हूँ, अभी उन्होंने कॉल आगे ट्रांसफ़र करवा दी है। डोंट नो क्या हो रहा है यार, कम अज़ कम इनको तो आइडिया होना चाहिए, अगर सिस्टम में मसला है तो भी इनको पता होना चाहिए। अब देखिए पैकेज है यहाँ पे, मैं इसको लगवा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दिया मैंने, सब्सक्राइब किया, मैसेज भी आ गया। मैं जब यहाँ पे जाता हूँ अकाउंट में, पैसे वही है, ये डेटा पुराना वाला शो हो रहा है, और कोई भी पैकेज जो है सब्सक्राइब नहीं है। जेस अपने सिस्टम पे काम कर लो। तो भाई साहब ने तकरीबन आधा घंटा ज़ाय करने के बाद बोला कि जो सक्सेसफुल का मैसेज आता है वो असल में यही मैसेज नहीं होता, तो मुझे मजबूरन जो है ये वाला पैकेज करना पड़ रहा है। तो लेट्स सी कि ये हो जाता है या नहीं। लेट्स सी, हमारे पास अभी पैकेज हो गया है बिल्कुल। मेहरान इस बात पर हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल का मैसेज देते हैं इट मीन कि हो गया है, तो फिर आप कैसे मैसेज दे रहे हो? मैं तो उसी शोरपन में था, बट चलता है एनीवे। सो मैं और काशिप अभी जा रहे हैं बाहर, हमें तरबूज लेना है, क्योंकि जितना मेरा दिल कर रहा है इतना इस बंदे का। मैंने कहा काशिप तरबूज, मैंने कहा यार मेरा ही बहुत दिल कर रहा है। तो चलिए मार्केट जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो भाई लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोरोना है, जो हालात आप देख रहे हैं ना, इतने लोग निकले हुए हैं, जिस तरह गाड़ियाँ चल रही है उस साइड पर बहुत ज़्यादा रश है। ये जो लाइट है ना, यही हमारा ठिकाना है, इधर ही हम लोग होते हैं सारा दिन, और यहाँ से हम नीचे देखते हैं। कैमरे की लाइट इस वक्त आपको थोड़ी सी सही नहीं लग रही होगी, क्योंकि ऑटो पे है, थोड़ा सा इशू कर रहा है। सो इधर से हम लोग सामान लेंगे। इंदवानिश्ता ये रहा फाइबर, बाहर के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मास्क का नाम निशान तक नहीं है, और अल्लाह खैर करे, लेकिन लगता है ऐसे है काशिप के हमारे हालात भी इंडिया जैसे होंगे। यार पहले से ज़्यादा लोग निकले हुए हैं, और कोई मास्क नहीं है। मास्क मतलब आपने मास्क पहना, लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपको ये अजूबा हो। तो चले अल्लाह खैर कर, यही दुआ करेंगे, अल्लाह उन पर भी रहम करे और हम पर भी, आमीन। बस क्या चल रहा है? बस भाई वो वीडियो को इंट्रो दोबारा मैंने बना दिया। अच्छा। उसको गलत अपलोड किया था ना, उसको बस वापस ठीक कर दिया। तरबूज खाओगे? क्यों नहीं, हम आपके लिए तरबूज लाए हैं। थैंक यू यार। एक्चुअली हमारे पास छोटी है, अदरवाइज इस तरीके से जो आप इसको काट देते ना, बड़ा मज़े का आता है, गोल तरबूज से निकल आता है। काशिप ने सबसे बड़ा वाला लिया था कि रेडिश होगा, है अंदर से सही है, ये देखें वो ऊपर से, हम फिर इसको हटा देंगे ना, या दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तरबूज में क्या देखना है, यही तरबूज है ना हमारे, हमें जो है रिकॉर्ड कर लो, अब तरबूज के अंदर इंटर हो रहा है। काशिप कुछ बोलेगा, ये क्लोज अप शॉट ले रहे हैं ना। हाँ काशिप अभी कुछ आपको बताएगा, कीमती अनमोल मोती। जी काशिप जी, थैंक यू थैंक यू। ये तरबूज है, ये मैं हूँ, और ये मेरे दोस्त है, और हम पार्टी कर रहे हैं। बिलाल शादी का क्या सीन है, बिलाल से पूछते है ना। उस्मान बिलाल की तरफ जाओ, क्या वो बिलाल घर की तरफ से कोई रिस्पांस वगैरह है? नहीं। नहीं नहीं, सच बोलो सच बोलो, रमजान में झूठ बोलना जो है गुनाह है। दो तीन बंदों ने रिस्पांस किए कि बस फिक्र ना करो इंशाल्लाह। दो तीन बंदे कौन कौन है? बस घर से। बहन की तरफ से रिस्पांस है, और बाकी शायद दोस्त वगैरह से होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग काशिप पे रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह, और उस्मान आप इनके बाइक को वीडियो भेजेंगे। आप 50 लाख भी रिकॉर्ड कर ले, मेरी शादी नहीं होने वाली। क्यों? पैसा नहीं है यार, शादी ऐसी होती है। ओ बेकार, बेकार नहीं है, इतना महंगा बंदा तरबूज लेता है और वो बेकार हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा है काशिफ, आइंदा ना ही मैं बोला था स्टार्ट में, आपने इधर मुझे फिर लेके नहीं जाना नेक्स्ट टाइम। वेडिंग कर रहे हो? ये चिप्स और चाय। इसे ही कटाए थे। ये रात के 12:30 बजे का सीन है। हेलो, हाय, क्या हो रहा है भाई, काम हो रहा है? इस तरह है कि थोड़ा सा इधर आ जाए, मेरे पास 5,000 फ्रेंड्स फेसबुक पे एडेड है, जिसमें एक्टिव जो है वो उनकी तादाद लास्ट 3 मंथ से सिर्फ 200 रही है। 4,387 आ जाए, नज़दीक आ जाए। 4,387 यूज़र जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पेड टूल लिया हुआ है $300 का,
और मैं इन लोगों को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके कमेंट्स, उनके लाइक्स, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वाह, वेरी गुड यार। जी, तो आज के बाद कोई भी मेरे साथ अनफ्रेंड, मेरे साथ जो भी बंदा ऐड होगा उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, काशिप ने आज पहली बार फ्राइज बनाए हैं। फ्राइज काफ़ी अच्छे बने हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात की लाज रखी। वेलकम, थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू काशिप, वेलकम। वैसे तो हम लोगों ने वादा किया था, वादा नहीं किया था मीन कि आज हम लोगों के दरमियान फाइनल हुआ था कि हम डाइट स्टार्ट करने आ रहे हैं, लेकिन वो कल से, मंडे से, बस मंडे से करेंगे इंशाल्लाह। गुलराज को एक घंटा पहले हमने बाहर भेजा है कि भाई खाने के लिए कुछ लेके आए, वो अभी तक नहीं आया और मुझे मुश्किल से लगता है कि हम सहरी कर लेंगे सही तरीके से। तो यहाँ पे 24 घंटों में 2 घंटे कम से कम शादी की बातें चलती है। ये बिलाल की वजह से ना, बिलाल की शादी आ रही है तो हम अलग बेस करते हैं, बिलाल शादी का बेस होता है दरमियान में। सो गाइस, आज का दिन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जिस तरह हम लोग ने एंजॉय किया। कुछ खास नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था, बट यू नो व्लॉग तो पूरा करना ही था, तो बस आज का दिन गुजरा यूं ही। तो बस इसी के साथ व्लॉग को वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है और मकसद यही है कि भाई बस आपके साथ अपना स्टेटस शेयर करें, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक रिश्ता हमारा बरकरार रहे दरमियान में। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, अगर कुछ अच्छा लगा है तो बस कमेंट करना है। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।